राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है मूसेवाड़ा मर्डर केस में जो है 19 साल के जो है लड़के का नाम आया था जो 10वीं में फेल हुआ, मोबाइल चोरी का जिस पर इल्ज़ाम आया। चलिए बात करते हैं अंकित शेरशाह के बारे में। सोनीपत के गांव शेरशाह का रहने वाला पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो है इनका नाम आया था सारफ शूटर अंकित शेरशाह। छोटी सी उम्र में ही जो है जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच के अध्यक्ष डागांव शेरशाह का रहने वाला अंकित मूसेवाला मर्डर केस में से इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी में फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। इसके बाद जो है पुलिस अलर्ट पर थी। उनके साथी प्रियव्रत की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि अंकित भी जो है इस में जो है मुख्य शूटर था। महज 19 साल की अंकित ने मोबाइल चोरी में नाम आने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो सार शूटर बन गया। पंजाब में 29 मई को जो है मूसेवाला मर्डर केस हुआ था जिसमें जो सबसे नज़दीक से जो है इन्होंने जो है गोलीबारी की थी। सोनीपत से तार जुड़ने के बाद जो पंजाब पुलिस ने जो है जांच में सामने आया बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में देखी गई थी जिसमें अंकित शेरशाह प्रियव्रत फौजी को देखा गया था। इसके बाद गत दिनों बाद प्रियव्रत फौजी को भी जो है गिरफ्तार किया गया। बात करें जो है दिल्ली के कश्मीर गेट बस अड्डे के पास से जो है हथियारों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था। अंकित शेरशाह बचपन से जो काफ़ी शरारती तत्व था, उसका पढ़ाई में जो कभी मन नहीं लगा। वो 10वीं कक्षा में फेल होने पर जो है एक फैक्ट्री में काम करता था लेकिन तभी लॉकडाउन लग गया। इसके बाद वह घर बैठ गया। उसके बाद वह अपनी बुआ के घर चला गया। वहाँ उस पर जो है मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लग गया। इसके बाद वह जेल चला गया। वहाँ से जो है वह अपराध की दुनिया में उतर गया। अंकित अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा है। उनकी 4 बहनें व एक बड़ा भाई है। 3 बहनों की शादी हो चुकी है। उसके माता पिता जो फैक्ट्री में काम करते हैं। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की पकड़ में वह आ चुका है। दिल्ली सिद्धू मूसेवाला केस में जो है अंकित पर यह पहला मुकदमा है जिसमें उन्होंने सबसे नज़दीक जाकर जो है मूसेवाला पर फायर किए थे। उनका एक फ़ोटो भी जो है सामने आया जिसमें वे जो अंग्रेजी में मूसेवाला लिख कर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अंकित 3 महीने से जो अपने परिवार से दूर है। उन्हें जो है बेदखल करने की तैयारी हो चुकी है।